हम हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए आप सभी इस चीज से बखूबी वाकिफ हैं कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी भारत तोड़ने में लगी हुई है, हिंदू को मुसलमान के साथ, मुसलमान को सिख के साथ, सिख को जैन के साथ, जैन को बौद्ध के साथ लड़वा के भारत की सभ्यता के साथ, भारत के लोकतंत्र पे लगातार हमला कर रही है। उस चीज के लिए पहले भी कांग्रेस का नेतृत्व माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे थे, उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। उसी संदर्भ में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व ने भारत जोड़ो यात्रा, जो आज इस देश की जरूरत है, उसी सिलसिले में श्री चरण सिंह सापरा जी जम्मू कश्मीर का सफर तय करके इसी भारत जोड़ो यात्रा की एक कड़ी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू होने जा रही है। या नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेश सानी जी, जहांजद सिरवाल जी जो एक नौजवान नेतृत्व जम्मू कश्मीर में है, सरदार गुरमीत सिंह जी, और मैं नए पीसीसी प्रेसिडेंट विकार रसूल जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। महंगाई पर हल्ला बोल रामलीला मैदान में जो रैली हुई है, वो पूरे देश के अंदर जो कमर तोड़ महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पिछले 2-2.5 वर्षों से अपनी आवाज उठाती रही है, लेकिन अंधी गूंगी और बहरी सरकार, उस पर कोई असर नहीं हो रहा। बेसिकली कल की महंगाई पर हल्ला बोल रैली से सोई हुई सरकार को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने और श्री राहुल गांधी जी ने किया है। ये मोदी निर्मित महंगाई है, मैं ऐसे कहना चाहूंगा, और मोदी निर्मित महंगाई जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर ज्यादा भारी पड़ी है। उद्योगपति जो हैं वो सुखी हैं, उनके टैक्स घटते जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि कॉरपोरेट टैक्स जो है वो 30% से 15% पर आ गया, लेकिन एक साधारण व्यक्ति का एक गरीब टैक्सेस लगते हैं, उसमें कोई कट, यानी अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है। और आजकल के दौर में पिछले 8 वर्ष 2 करोड़ नौकरियां हम प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन पिछले 2 वर्षों में 14 करोड़ नौकरियों का नुकसान हुआ है। यानी देश के युवा को वादा करके वादा खिलाफी नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। पेट्रोल डीजल के भाव, ये 2013 में कहते थे कि हम 30 रुपए या 35 रुपए प्रति लीटर करेंगे, पेट्रोल 100 रुपए पार हो चुका है और डीजल 90-95 में। पेट्रोल डीजल पर नियंत्रण लाने की बात करने वाले आग लगी हुई है, और पिछले 8 वर्षों से कई बार एक भाव जो है वो आसमान छू रहे हैं, गरीबों की जेब को लूटा जा रहा है। आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे आटा है, दही है, दाल है, खाने का तेल है, ये तमाम सारी चीजों पर भी जीएसटी लग चुकी है। FMCG यानी जो घर के प्रोडक्ट होते हैं, टूथपेस्ट, टूथब्रश या निर्माण करने की चीज हो जैसे सीमेंट और स्टील, चीज पर जीएसटी लगा करके इसके दाम दुगने तिगने हो चुके हैं। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था कि 2000 किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों की की है, जिसमें बलात्कारियों का सत्कार हुआ,
यानी महिला सुरक्षा की बात करने वाले लोग बलात्कारियों का सत्कार करते हैं, ये सारे देश ने देखा है। जो लोग कहते हैं कि रुपए को पौने दाम पर बेचा जा रहा है, 70 साल के जतन का पतन, मैं फिर दोहराता हूं, 70 साल के जतन का पतन 8 वर्षों में मोदी सरकार ने किया है। सरकारी कंपनियां, स्टील अथॉरिटी जिसको हम सेल कहते हैं, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जिसको हम भेल कहते हैं, सेल, भेल, रेल, एयर इंडिया, LIC, एयरपोर्ट, ऐसी 36 कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट करने का, उनको बेचने का निर्णय हुआ है। यानी जो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, जो बड़े बड़े जुमले बोलते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो आज देश की संपत्ति को एक एक करके नीलाम करते जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपनी 8 वर्षों की नाकामियों को किस तरह से छुपाती है, ये तमाम सारी उनकी नाकामियां हैं। जैसे जैसे मोदी सरकार की उम्र बढ़ती है, उसी तरह से महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता बढ़ रही है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये जातिवाद को आगे लाते हैं, ध्रुवीकरण को आगे लाते हैं, और ध्रुवीकरण के आश्रय से अपने कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहते हैं। समाज को धर्म, जाति, भाषा और पहनावे के नाम पर बांटकर ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। धार्मिक उन्माद फैलाना, विरोधियों पर पुलिस, ED, IT, CBI का दबाव डालना, ये एक प्रथा बन चुकी है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को सत्ता बल, धन बल और बाहुबल के आधार पर गिराना, ये एक सरकार का नियम बन गया है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उससे पहले गोवा और अरुणाचल प्रदेश, ये सब हमने देखा है। झारखंड में भी इन्होंने प्रयास किया, लेकिन आज इनका प्रयास वो विफल हुआ है। इन सब हरकतों की वजह से ये दर्शाता है कि मोदी सरकार ये एक अहंकारी सरकार बन गई है, देश को विभाजन की ओर ले जा रही है, और इस देश के लोकतंत्र की, देश की विभाजनकारी नीतियों को हराने के लिए श्री राहुल गांधी जी ने तय किया कि यह सरकार हमको पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती, पार्लियामेंट के अंदर महंगाई पर बोलना 20 मिनट कांग्रेस पार्टी को दिए गए। इतना बड़ा मोर से श्री राहुल कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 150 दिनों की ये यात्रा, 3 bifurcation है। एक तो भारत जोड़ो यात्री जो 118 रहेंगे, जो पूरी यात्रा राहुल गांधी जी के साथ में पैदल करेंगे। उसके बाद में PCC से यात्री जुड़ेंगे, फिर अतिथि यात्री हैं जो इनका समावेश उसमें होगा। 7 सितंबर को श्री राहुल गांधी जी जनता की अदालत, जनता के बीच, जनता के मुद्दों को लेकर के निकलेंगे। 12 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी से गुजरते हुए भारतीय जनता पार्टी के फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी देशभक्ति पर भी जनता के साथ में चर्चा करते हुए आएंगे। जिस भारत के लोकतंत्र का दुनिया में नाम है, जिस भारत के लोकतंत्र का दुनिया में नाम है, वही लोकतंत्र आज भाजपा का गुलाम है, उसकी गुलामी से छुड़ाना है। और जनता के बीच महात्मा गांधी जी के, जवाहरलाल नेहरू जी के, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और मौलाना आजाद जी और ऐसे अनेक स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने इस देश के लिए अपना
खून दिया है, इस देश को आजादी दिलाई है, उनके मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए श्री राहुल गांधी जी ये यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के यूं तो कई ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन इस यात्रा के चार मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि एक तो जिस तरह से भाईचारा बिगाड़ा जा रहा है, देश में एकता का भाव और भाईचारे को फैलाने का प्रयास, अनेकता में एकता, ये नारा हिंदुस्तान के डीएनए में है, लेकिन अनेकता में एकता जो है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार में कम नजर आती है। इस अनेकता में एकता को मजबूत करना, करोड़ों भारतवासियों की जो आवाज है, करोड़ों भारतवासियों के जो तकलीफें हैं, फिर वो चाहे कोई बेरोजगार है, कोई महंगाई से त्रस्त है, मोदी सरकार तो मस्त है लेकिन दुनिया त्रस्त है, तो करोड़ों भारतवासियों की आवाज को एम्पलीफाई करना, मौजूदा परिस्थिति में देश को किस तरह से आगे चलाना है, शाह और तानाशाह के चुंगल से किस तरह से देश को बचाना है, ये जनता के साथ श्री राहुल गांधी जी हर शहर में, हर गांव में, हर विभाग में और हर राज्य के अंदर चर्चा करते हुए आएंगे। भारत के लोकतंत्र को किस तरह से मजबूत करना है, ये भी उसका एक बिंदु है। राहुल गांधी जी की ये सारी यात्रा ये दल के लिए नहीं, देश के लिए है। देश को प्राथमिकता हम दे रहे हैं कि देश बचेगा तब हम बचेंगे, देश के मूल्य बचेंगे तब हम बचेंगे। जो पिछले 8 वर्षों में हमने शाह और तानाशाह की तानाशाही देखी है, उस वजह से ये तय किया गया कि प्राथमिकता दल नहीं होगा, प्राथमिकता देश होगा। और इसीलिए तमाम सारी सिविल सोसाइटियां, उनके साथ भी श्री राहुल गांधी जी ने दिल्ली में मीटिंग करी और पूरे देश की सिविल सोसाइटियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि ये तकलीफ जो है ये मात्र कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये देश के गरीब तबके की, मिडिल क्लास की तकलीफ है, जिसके लिए राहुल गांधी जी सड़क से लेकर के संसद तक लड़ रहे हैं। 7 सितंबर को श्री पेरम्बदूर सुबह 7 बजे श्री राहुल गांधी जी उस स्थल पर, जो शक्ति स्थल मैं कहूंगा, श्री राजीव गांधी जी की समाधि, राजीव गांधी जी का इतना बड़ा योगदान देश के लिए, आतंकवाद से लड़ाई उन्होंने लड़ी और आतंकवाद से लड़ते लड़ते श्री पेरम्बदूर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उनके चिथड़े उड़ा दिए गए। देश के लिए बलिदान श्री राजीव गांधी जी ने दिया, उसी बलिदान वाले स्थल से, उनके स्मारक से, वहीं पर शक्ति लेकर के श्री राजीव गांधी जी से राहुल गांधी जी अपनी यात्रा का पहला पड़ाव 7 तारीख को सुबह 7 बजे, 3 बजे थिरुवलावर, वहां पर जाके स्वामी विवेकानंद जी के स्मारक पर माथा टेकेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने करोड़ों करोड़ों लोगों को देश में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रेरणा दी है। उसके बाद श्री कामराज जी के स्मारक पर, श्री कामराज जी जिनका इतिहास में सुनहरे अक्षरों से उनका कार्य लिखा गया है, ऐसे श्री कामराज जी से भी श्री राहुल गांधी प्रेरणा लेंगे। 4 बजे महात्मा गांधी जी का मेमोरियल, वहां पर एक प्रार्थना सभा होगी, उस प्रार्थना सभा के स्थल से 3 मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तमिलनाडु स्टेलियन जी, मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी,
ये तीनों मुख्यमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी को देश का तिरंगा सौंपेंगे, वो शक्ति सौंपेंगे जो शक्ति सर्वधर्म समभाव की बात करती है, और उस तिरंगे को लेकर के उस पद यात्रा का लॉन्च होगा। शाम को 5 बजे पब्लिक मीटिंग होगी। 8 सितंबर को फिर सुबह 7 बजे पदयात्रा शुरू होगी। ये पदयात्रा 2 पड़ाव में होगी, सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक करीबन 13-14 किलोमीटर चलेंगे। उसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे या 7:30 बजे तक श्री राहुल गांधी जी और उनकी टीम चलेगी, और इसी के बीच में लोकल लोगों से भी मिला जाएगा, लोकल लोगों की समस्या को सुना जाएगा, लोकल लोगों से वार्तालाप होगा। श्री राहुल गांधी जानना चाहेंगे कि वहां के लोगों की क्या समस्या है, यानी कांग्रेस पार्टी आपके द्वार, ये एक उद्देश्य लेकर के श्री राहुल गांधी जी अपनी इस यात्रा पर 7 सितंबर को निकल रहे हैं। और इसी तरह से ये 7 सितंबर को मात्र खाली कन्याकुमारी से शुरुआत होगी ऐसा नहीं है, पूरे देश के अंदर सभी पीसीसी हेडक्वार्टर पर, सभी जिला स्तर के हेडक्वार्टर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने अपने जरिए से ये भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। और इसके अलावा कई लोगों के ये प्रश्न है कि इस रूट में बहुत से राज्य छूटते जा रहे हैं, बहुत से शहर, इंपॉर्टेंट शहर छूटते जा रहे हैं, तो ऐसे राज्य और ऐसे शहर जो छूटे हैं इस यात्रा के रूट पर नहीं आए हैं, आगे आने वाले दिनों में और यात्रा भी प्लान होगी, लेकिन वहां के कांग्रेस पार्टी की इकाइयां जो हैं वो वहां की सिविल सोसाइटी इसको साथ में लेकर के वहां पर पदयात्रा करेंगी। और पदयात्रा भारत जोड़ो का जो मैसेज है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी तो दे ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता अपने इलाके में देगा। उसी तरह से 8 तारीख को भी हर राज्य में प्रमुख शहरों में ये यात्रा रहेगी, और किसी को भी पूरे देश के अंदर या विश्व में भी किसी को इस यात्रा से जुड़ना है तो वो www.bharatiyajodoyatra.in इस माध्यम से वो जुड़ भी सकता है। और ये सारी यात्रा जो होगी ये लाइव चलेगी, पूरे देश का मीडिया इसको अपने घर पर बैठ करके देख सकता है, अपने सुझाव भी दे सकता है और उसके ऊपर अपनी रिपोर्टिंग भी कर सकता है। तो ये कुल मिलाकर के श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ा संकल्प, महंगाई के विरुद्ध, बेरोजगारी के विरुद्ध, महिला अत्याचार के विरुद्ध, देश में जो विभाजनकारी नीति चल रही है, जो दहशतवाद चल रहा है, जो देश के अंदर सेंट्रल एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ एक जनता की आवाज बन करके ये यात्रा निकलेगी। अंत में मैं चंद लाइनें कह के अपना शब्द समाप्त करूंगा। बढ़ते कदम अब न रुक पाएंगे, बढ़ते कदम अब न रुक पाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते कदम अब न रुक पाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, कदम कदम मिलाएंगे, हम भारत को जोड़ते जाएंगे, हम भारत को जोड़ते जाएंगे। ये संदेश कांग्रेस पार्टी का आज मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को यहाँ से देने के लिए आया हूँ। पीसीसी प्रेसिडेंट विकार रसूल साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे बीच में आ चुके हैं, आदरणीय रमन भल्ला साहब, और इनकी तमाम सारी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आपको बुलाया, आपसे मिलने का ये मौका दिया। कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। मेरी सरकार की ट्विटर है, ना कि ट्विटर करके जहाँ मैसेज करने का ट्विटर,
देखिए, मुख्य रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए है, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर में है तो आपके और भी इंटरेस्ट होंगे रिगार्डिंग यही प्रश्न। कोई और भी लोगों ने, साथियों ने पूछने, तो एक साथ पूछ ले तो मैं वो एक साथ उसका उत्तर भी आपको दे। देखिए, कांग्रेस पार्टी 136 वर्षों का हमारा इतिहास है और कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर कार्यकर्ता बनते हैं, बड़े होते हैं, नेता होते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता। जहां तक सवाल आपने अभी आजाद साहब का कहा, मुझे उनके टाइमिंग पर मैं निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह रखता कि टाइमिंग क्या है। एक तरफ श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, यानी हम चाह रहे हैं कि जो महंगाई से लड़ा जाए, बेरोजगारी से लड़ा जाए, जो जनता के जमीनी मुद्दे हैं, जो अपने आप को कहते कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, तो जमीनी मुद्दे आज क्या है? महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महिला अत्याचार मुद्दा है, दहशतवाद मुद्दा है, या फिर ये मुद्दा है जो